हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इल, जिसमें मेनली हम हेल्थ एंड डिसीजेस आपका चैप्टर में ये दो मेन टॉपिक हैं उसे ही हम पूरा डिस्कस करेंगे। सिलेबस में आपका हेल्थ और उसके फेलियर्स, इन्फेक्शन नॉन इन्फेक्शन डिसीज, उसके कॉजेज, उसके मैनिफेस्टेशन, डिसीज माइक्रोब्स के द्वारा, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, उसके प्रिवेंशन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट प्रिवेंशन और पोलियो पल्स पोलियो प्रोग्राम, ये सारा आपका मेन मोटिवली आएगा। रिवीजन नोट्स देख लेते हैं। हेल्थ और उसके फेलियर्स और डिसीज और उसके कॉजेज और मीन्स ऑफ स्प्रेड। हेल्थ क्या होता है? द वेलबींग ऑफ अवर बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन अवर प्रॉपर फंक्शन ऑफ अवर सेल एंड टिश्यू। हमारी जो ठीक ठाक वाली जो व्यवस्था है वो हमारी हमारे प्रॉपर फंक्शन होना या हमारी सेल में प्रॉपर फंक्शन वर्क कर रहा वो तभी उससे पता चलता है। All of our body parts activities are greatly interconnected. हमारे जो सारे body parts हैं activities हैं वो interconnected हैं। Dysfunction of any body part can affect the entire body. अगर पूरी body में थोड़ा सा भी एक जगह भी dysfunction हुआ तो पूरी body को इफेक्ट कर सकता है। जब हम healthy होते हैं तो हमारी physical, mental and social well होता है, function well होते हैं। अवर सोशल एंड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। हमारा जो फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट होता है हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन एडिशन अगर हम पर्सनल हाइजीन की बात करें तो पब्लिक क्लीननेस और ये भी मेंटेन करनी चाहिए हमें हेल्थी रहने के लिए। मैनी अदर फैक्टर, बहुत सारे अदर फैक्टर भी जैसे फाइनेंशियल कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन फूड एंड सोशल इक्वालिटीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। अब डिसीज़ क्या है? डिसीज़ एक पर्सन जो कि डिसीज़ से सफ़र है वो इस स्टेट ऑफ डिसकम्फर्ट, यानी वो कम्फर्ट फील नहीं कर रहा। बींग इन पुअर हेल्थ इज़ डिफरेंट फ्राम बींग डिसीज़, यानी आपकी तबीयत ख़राब है और आपको बीमारी है, ये दोनों में बहुत अलग बात है। सिम्टम एंड साइन ऑफ डिसीज़ अपेयर एज द रिजल्ट ऑफ डिसफंक्शन ऑफ द अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स। जो सिम्टम और साइन होते हैं किसी भी बीमारी के वो हमें कि हमारी बॉडी पार्ट डिसफंक्शन कर रही है, अफेक्ट कर रही है, हमारी बॉडी पार्ट से पता चल जाता है। इससे हमें हेल्प मिलती है कि हम आइडेंटिफाई करें कि पर्सन को क्या हो रखा है। अब हम ड्यूरेशन की बात करें तो डिसीज़ को दो भाग में डिवाइड करा गया है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट डिसीज़ वो होते हैं जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, जो कि ज़्यादा हेल्थ इफेक्ट नहीं करते और ये ज़्यादा हेल्थ को इफेक्ट नहीं करते, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, कफ, खांसी, जुकाम होता है ना। अब क्रॉनिक डिसीज़ वो लॉन्ग टाइम के लिए चलते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग इल हेल्थ और इवन डेथ तक कर सकते हैं, जैसे टीवी लंग्स में हो जाए, कैंसर हो जाए, ये सारे क्रॉनिक डिसीज़ में आ जाते हैं। अब कॉजेज ऑफ डिसीज़ इमेड फर्स्ट लेवल कॉज। अब फर्स्ट लेवल कॉज यानी बीमारियों से हमें बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट लेवल कॉज को हम कंट्रीब्यूटरी कॉज कहते हैं, या इमीडिएट डायरेक्ट कॉज ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया इज कॉजेटिव एजेंट। कंट्रीब्यूटरी कॉज क्या है, यानी कहाँ कहाँ से हो सकता है, यानी आपको नरिशमेंट या जेनेटिक डिफरेंस। सेकेंड लेवल कॉज ये होता है जेनेटिक डिफरेंस मिल जाए, या आप खाना ठीक से ना खाएं, पावर्टी यानी गरीबी की वजह से, पब्लिक सर्विसेज की वजह से, तो ये थर्ड लेवल कॉज होता है। यानी थ्री लेवल आपको पता चल गया, फर्स्ट लेवल तो कंट्रीब्यूटरी, सेकेंड लेवल न्यू जेनेटिक और थर्ड लेवल पावर्टी या लैक ऑफ सर्विस। अब डिसीज़ इन्फेक्शस भी हो सकते हैं, नॉन इन्फेक्शस भी हो सकते हैं। इन्फेक्शन डिसीज़ इन्फेक्शस डिसीज़ माइक्रोब्स द्वारा होते हैं या इन्फेक्शस एजेंट, जैसे एग्जांपल मलेरिया। नॉन इन्फेक्शस डिसीज़ इंटरनली होते हैं, नॉन इन्फेक्शस कॉज जैसे हाई ब्लड प्रेशर। इन्फेक्शन एजेंट होते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जैसे वॉर्म्स। अब कैटेगरी ऑफ इन्फेक्शस एजेंट, तो एग्जाम्पल ऑफ डिसीज़ कॉज्ड वायरस से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर और एड्स होता है। बैक्टीरिया से टाइफाइड, क्लोरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स। फंजाई से स्किन इन्फेक्शंस, प्रोटोजोआ से मलेरिया, कालाजार, वॉर्म से इंटेस्टाइनल वॉर्म्स इन्फेक्शन और एलिफेंट डिसीज। अब कुछ डिसीज़ अब इन्फेक्शन डिसीज़ को हम कम्युनिकेबल डिसीज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वन पर्सन से अनदर होती है। कम्युनिकेबल डिसीज़ एयर, वाटर और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और वेक्टर से भी फैलती है। द ड्रॉपलेट रिलीज ड्यूरिंग कफिंग
or sneezing of an infected person can spread airborne disease such as common cold, pneumonia and tuberculosis. Airborne disease बहुत ज़्यादा तेज़ी से होते हैं क्योंकि इन ओवरक्राउडेड एंड पुअरली वेंटिलेटेड लिविंग कंडीशन. वाटरबॉर्न डिसीज जैसे क्लोरा बहुत धीरे स्प्रेड करते हैं ड्रिंकिंग वाटर से जो कि इन्फेक्शन एडेड होते हैं. सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से कैसे होता है जैसे कॉज द स्प्रेड ऑफ डिसीज जैसे एड्स है तो वो एड्स फैल सकता है सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से साइफिल फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी वन. एड्स वायरस जो है वो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है. यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल अगर आप इन्फेक्टेड नीडल या प्रेगनेंसी में ब्रीस्ट फीडिंग करें तो वो इन्फेक्टेड मदर से भी हो सकता है. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इन कैन नॉट बी ट्रांसमिसिबल. वो ट्रांसमिसिबल नहीं होते कि इफ एंड बाय एनी इन्फेक्शस एजेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. एग्जाम्पल डायबिटीज़ और कैंसर. यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे डायबिटीज़ और कैंसर नॉन कम्युनिकेबल होते हैं यानी फैलते नहीं है एक दूसरे से. अब मैनिफेस्टेशन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़. डिसीज़ का मैनिफेस्टेशन एक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें डिसीज़ डिपेंड ऑन द कैटेगरी ऑफ इन्फेक्शन एजेंट. ऑर्गेनिज्म जो कि सेम कैटेगरी के होते हैं वो सर्वल लाइफ प्रोसेस शेयर करते हैं जैसे विच विल द डिफरेंट ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द अदर कैटेगरीज. ड्रग्स क्या होता है वर्किंग बाय इंटरफेरिंग द लाइफ प्रोसेस ऑफ वन कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी इफेक्टिव अगेंस्ट मेंबर ऑफ अनदर कैटेगरी. जैसे एंटीबायोटिक एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया बट नॉट अगेंस्ट वायरस बिकॉज वायरस डू नॉट शेयर बैक्टीरियल पाथवे. एग्जाम्पल हम ले तो पेनिसिलिन इंटरफेयर करता है बैक्टीरिया सेल में एंड वॉल प्रोटेक्शन एंड दस किल द बैक्टीरिया. ड्यू टू लैक ऑफ वॉल सेल्स पेनिसिलिन डज नॉट अफेक्ट ह्यूमन सेल. वेक्टर क्या होते हैं ये इमीडिएट एनिमल कॉजिंग होते हैं. स्प्रेड ऑफ डिसीज कॉजिंग एजेंट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. जैसे फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो मलेरिया फैलाती है और ये ब्लड ऑफ एनिमल्स फीड करती है. ऑन एंटरिंग द बॉडी इन्फेक्शंस एजेंट रीच द स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स. यानी अगर बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो इन्फेक्शंस एजेंट जो स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन होते हैं उन पर टारगेट करते हैं. टारगेट ऑर्गन होते हैं हमारे पॉइंट ऑफ एंट्री. फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड बैक्टीरिया की माउथ से एंटर करता है एंड रिजाइड इन गट लाइनिंग. इन अदर्स इंस्टेंस द टारगेट ऑर्गन इज माइक्रोब हैज नो रिलेशन टू द पॉइंट ऑफ एंट्री. यानी अगर कोई और टारगेट ऑर्गन है तो कोई रिलेशन नहीं होता पॉइंट ऑफ एंट्री. जैसे एच आई वी सेक्शुअल ऑर्गन से एंटर करता है बट स्प्रेड इन ऑल लिम्फ नोड और बाकी पूरे लिम्फ नोड में फैल जाता है. द सिम्टम्स ऑफ अ डिसीज डिपेंड ऑन द टारगेट ऑर्गन इन्फेक्टेड बाय एन माइक्रोब. जो सिम्टम है डिसीज के वो टारगेट ऑर्गन के द्वारा इन्फेक्ट होते हैं. कफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आर सीन वेन लंग्स आर इन्फेक्टेड. तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक आइडिया है टारगेट ऑर्गन का माइक्रोब का फ्रॉम द साइंस एंड सिम्टम ऑफ अ डिसीज. अब इन्फेक्शन में जो एक्टिवेटेड इम्यून सिस्टम होता है बॉडी सेंड्स स्पेशलाइज सेल्स टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब यूजिंग इन्फ्लेमेशन एंड विद द एसोसिएशन जो बॉडी है वो सेल भेजती है कि वो ठीक करे. द एड्स कॉजिंग वायरस डिस्ट्रॉय द फंक्शनिंग एंड ऑफ द इम्यून सिस्टम. जो एड कॉजिंग वायरस होते हैं वो इम्यून सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसका काम करना बंद कर देते हैं. तो विच बॉडी बिकम्स अनेबल टू फाइट विद इवन माइनर इन्फेक्शंस. तो बॉडी जो हमारी है वो माइनर इन्फेक्शंस के भी ज़्यादा साथ इन्फेक्ट नहीं हो पाती. अल्टीमेटली जो पेशेंट होता है सकम्स टू सच इन्फेक्शंस. द सेवरिटी ऑफ डिसीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इन्फेक्शंस एजेंट प्रेजेंट इन द बॉडी. अब डिसीज़ का ट्रीटमेंट क्या होता है. एक इन्फेक्शन डिसीज दो वे से ट्रीट हो सकता है. रिड्यूस द सिम्टम ऑफ द डिसीज बाय प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट. उसका इलाज करके उसके सिम्टम्स को रिड्यूस कर दो या इन्फेक्शन एजेंट को ही मार दो डिसीज़ को. अब मेडिसिन यूज़ होती है इन्फेक्शन एजेंट को क्लीज किल करने के लिए मारने के लिए. दिस पाथवे आर नॉट प्रेजेंट इन अदर माइक्रोबियल ग्रुप्स और इन ह्यूमंस. और एंटरिंग ह्यूमन सेल वायरस यूज सेलुलर मशीनरी फॉर कैरिंग आउट ऑल देयर लाइफ प्रोसेसेस. दीज आर वेरी फ्यू वायरस बिकॉज बायोकेमिकल पाथवे कैन बी टारगेट टू प्रोड्यूस एंटीवायरल ड्रग्स. अब द अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एन इन्फेक्शन डिसीज हैज थ्री ड्रॉबैक्स. अब जो ट्रीटमेंट के एक इन्फेक्शन डिसीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए थ्री ड्रॉबैक्स हैं. रिकवरी ऑफ पेशेंट मे नॉट बी कम्प्लीट इन सर्टेन केसेस. कुछ केसेस में रिकवरी नहीं हो पाती. ट्रीटमेंट रिक्वायर टाइम एंड हेंस
the patient suffered from the disease may be bedridden, यानी जो ट्रीटमेंट करने में टाइम लगता है तो वो पेशेंट बेडरिडन भी हो सकता है. जो पेशेंट सर्व एज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू अदर, और पेशेंट एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन सबको भी फैला सकता है. इट इज़ डिजायरेबल टू प्रिवेंट अ डिसीज़ दैन टू ट्रीट इट कम्प्लीटली, यानी इसलिए कहा जाता है कि किसी बीमारी से बचना ही उसका इलाज करने से बेहतर है. दे आर जनरल एंड स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीज़. अब यहाँ पे कुछ जनरल और स्पेसिफिक वे हैं डिसीज़ से लड़ने के लिए. अब इन्फेक्शन डिसीज़ जो होते हैं वो जनरली पब्लिक हेल्थ हाइजीन मेथड होते हैं विच एम टू रिड्यूस एक्सपोजर टू इन्फेक्शन डिसीज़. पब्लिक हाइजीन मेजर्स इंक्लूड प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन इन्वायरमेंट एंड एडिक्यूट स्पेसिफिक कंडीशन फॉर लिविंग. अनदर अगर हम जनरल मेथड देखें तो प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन डिसीज़ रिक्वायर द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशेंट एंड बैलेंस डाइट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम. यानी आपको बैलेंस डाइट खानी है. द इम्यून सिस्टम इंश्योर दैट वी डू नॉट डेवलप अ डिसीज इस टाइम वी आर एक्सपोज टू इन्फेक्शन एजेंट बाई डिस्ट्रॉइंग द एजेंट बिफोर इट मल्टीप्लाई ग्रेटली एक्सटेंडेड. आपको पता है स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक आया था, ये लोगों के द्वारा ही नोटिस कराया गया था वो सर्वाइव आफ्टर सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, यानी कौन जब बचेगा स्मॉल पॉक्स के बाद. डिड नॉट गेट इन्फेक्टेड विद अगेन, और जो बच जाएगा वो दोबारा इन्फेक्ट नहीं होगा. सच ऑपरेशन लेड टू द बर्थ ऑफ इम्यूनाइजेशन विच इज़ अ स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन डिजीज. और ये इम्यूनाइजेशन की वजह से हुआ था जो कि एक स्पेसिफिक वे है किसी डिसीज से बचने का. द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑन इनकाउंटरिंग और इन्फेक्शन एजेंट. एक सब्सिक्वेंट इनकाउंटर है जो कि रिलेटेड है माइक्रोब से. द रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम मल्टीप्लाई एक्सटेंसिवली लीडिंग टू क्विक एलिमिनेशन ऑफ द इन्फेक्शन. अगर हम इम्यूनाइजेशन की बात करें तो एक वैक्सीन जो कि कंटेनिंग विल्ड और किल्ड पैथोजन स्पेसिफिक पाथ ऑफ पैथोजन, एक वैक्सीन जो है वो इंट्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में एंड इम्यून सिस्टम को बुद्ध बनाने के लिए. रिमेम्बरिंग अ पार्टिकुलर इन्फेक्शन हैज द बॉडी डज नॉट सफर फ्रॉम फर्दर एक्सपोजर टू पैथोजन्स और इट्स क्लोज रिलेटिव, यानी फिर बॉडी अगर वैक्सीन लग जाए तो कोई भी बीमारी नहीं हो पाती उससे रिलेटेड. अब वैक्सीन जो कि हमारी बहुत सारी डिसीज से जैसे टेटनस, पोलियो, मिसलेस एक्सट्रीमली और स्पेशली हेल्थ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. एवरी वन इन द कम्युनिटी शुड हैव एक्सेस टू पब्लिक हाइजीन एंड इम्यूनाइजेशन फॉर इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शस डिसीज. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना ज़रूरी है. अ स्टेट ऑफ वेल बींग इनफ टू फंक्शन वेल इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. डिसीज क्या होता है? लैक ऑफ फीलिंग ऑफ ईज और डिस्ट्रेस ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ और अ कंडीशन ऑफ एब नॉर्मल फंक्शन और अ सब्सेक्शुअल और डिसऑर्डर. सिम्टम क्या होता है? अ सीरीज ऑफ इवेंट ऑक्यूरिंग वैन ऑफन टू अ डिसीज और कंडीशन. एक्यूट क्या होता है? डिसीज लास्टिंग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड क्रॉनिक डिसीज लास्टिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इवन एज मच एज लाइफ टाइम. फिर है वैक्टर द इंटरमीडिएट एनिमल कॉजिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन रेज फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट. इन्फेक्शंस डिसीज क्या होता है? डिसीज वेयर पैथोजेनिक जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं वो इमिडिएट कॉज देते हैं. नॉन इन्फेक्शंस डिसीज डिसीज वेयर इंटरनल कॉज हमारा डिस्ट्रेस डिसऑर्डर देता है. कम्युनिकेबल डिसीज ही इन्फेक्शंस डिसीज होता है. अ डिसीज कैपेबल ऑफ बींग ट्रांसमिटेड फ्रॉम एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन पर इन्फेक्ट होता है. साइन एक ऑब्जेक्टिव एविडेंस होता है डिसीज का जो कि प्रेसिप्टेबल करता है कि एग्जामिंग फिजिशियन. इमीडिएट कॉज ऑफ डिसीज हम देखें तो कॉज विच इमीडिएटली किंडल्स आ डिसीज इनटू एन एक्शन व्हेन देयर इज अ प्रेडिस्पोजिशन टुवर्ड्स इट्स फर्स्ट कॉज और फैक्टर विच डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज. अब कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ डिसीज क्या है? कॉज और कंडीशन जो कि वोज प्रेजेंस मेक इट मोर प्रोबेबल दैट अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर विल अकर बट दैट कॉज इज नाइदर नेसेसरी और नॉट सफिशियंट फॉर द अकरेंस ऑफ द डिसीज. होस्ट क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म जो कि दैट इज इन्फेक्टेड विद और फेड अपॉन अ पैरासाइट और अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म. एंटीबायोटिक एक एंटी माइक्रोबल एजेंट मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कैन इनहेबिटेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली दोज हु आर इन्फेक्शस और डिसीज कॉडिंग.
एंटीबायोटिक्स क्या होता है? अ सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया और फंजाई दैट डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शस डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग अ वैक्सीन टू अलाउ द इम्यून सिस्टम टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस और इलनेस व्हेन इट इज सब्सिक्वेंटली इनकाउंटर द इन्फेक्शस एजेंट। वैक्सीन क्या होता है? अ प्रिपरेशन ऑफ वीकेंड और किल्ड पैथोजन और अ पोर्शन ऑफ अ पैथोजन स्ट्रक्चर दैट अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन स्टिम्यूलेट द इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन बट इनकेबल ऑफ कॉजिंग सर्वल इन्फेक्शन। पैथोजन्स क्या होता है? एनी डिसीज कॉजिंग एजेंट सच एज वायरस बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन। तो द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ बाय एन एक्टिव इम्यून सिस्टम बाय ऑफ इक्रिकेटिंग मैनी सेल्स टू इन्फेक्ट टिश्यूज टू किल द डिसीज कॉजिंग माइक्रोजम। हाइजीन क्या होता है? कंडीशन एंड प्रैक्टिस दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिसीज। एपिडेमिक क्या होता है? रैपिड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिसीज टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ गिवन पॉपुलेशन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वो एपिडेमिक होता है। तो आप इसे कर लेंगे, यानी बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों पर फैल जाना एक इन्फेक्शस डिसीज़, उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो चैनल इस चैप्टर का इंट्रो है वो कंप्लीट होता है। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।